अगर तुम मोटे होते तो। लड़कियों का अलग लड़कों का अलग होता है जा ये। और थोड़ा लाइट लगाओ यार, और दिखा दो किसका किसका यूज कर रहे हो ये भी दिखा दो। अपनी बेटी का बड़ी वाली देख ले दीप्पी, दीप्पी देख ले उसे क्या रखा है, है? फेंका हुआ है। ईजा गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग, ठीक हो सब? ये तो ईजा हमारी पूजा पाती के लिए फूल तोड़ रही है। ये सब ठीक हो? सब बढ़िया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में, शिखर जी ब्लॉग्स में। सुबह हो चुकी है मस्त और एकदम सो गए थे रात को। ये हमारा घर है और ये वहाँ देखो पकौड़िया बनने लग गए हैं, बारात जाने वाली है। पकौड़ी जलेबी बन रही है, देखना तो जलेबी। तो गाइज बारात का नाश्ता जो है बनने लग गया है। ये गाइज कल मैंने तो पूरा खाना भी कर दिया था, मम्मी ने भर भर के मेरा पेट भर गया था। आज भी बाद में खाऊंगी क्योंकि आज गाइज ये बाल नहीं बना देती है। इसके बाल देखो गुड हैं, इसके बाल देखो ये बाल नहीं बनाने देती है, बाल ही नहीं बनाने देती है। ये झबरू ये झापरे है, ये झापरे। भूबू तो अगर चश्मा पहनेगी तो किसके जैसे लगेगी बता दे। तो दोस्तों ये है अपने हल्द्वानी वाला घर, जिसने नहीं देखी है, जिसने ब्लॉग नहीं देखा वो देख सकते हैं। ये हमारा हल्द्वानी का घर है, अपना घर है। और ये हमारी कॉलोनी है, देखिए ये भूवी। यहाँ भी पता है बिल्कुल भी कंजेस्टेड नहीं है, एकदम मस्त है। और इस साइड को तो आपको ऐसा मिलेगा कि गाँव जैसा भी दिखा। गरिमा ऐसी दिखती है अल्मोड़ा में हो चाहे हल्द्वानी में हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिखर जोशी ब्लॉग्स में और मेरी चल रही है सफाई। तो गाइज वो देखो वो है हमारी किचन, किचन बहुत बड़ी है हमारी, बहुत बड़ी। ये ओ हमारे बाबूजी भी तैयार होके निकल गए हैं, सबसे पहले जा रहे हैं बाबू हमारे बारात में, एकदम हीरो बन गए। बाबू मस्त लग रहे हो यार, मजा आ गया। हाँ ये पूरा अभी नया नल लगाया था, नया नल अपने आप ही टूट गया। ये अभी तो मैं नहा गया था, इसको जोड़ना कैसे, टूट कैसे गया ये। तो ये है हमारे दूल्हे राजा का घर। तो अब ये नल टूट गया है, नल लेके आता हूँ फटाफट, उसके बाद बाजार जाएंगे बारात, उसके बाद बारात में जाएंगे। जब हम छोटे थे ना तब होता था क्रेज बारात में जाने का, बस में बैठने का, सवारी करने का, नई जगह देखने का, घूमने का, बड़ा ही क्रेज होता था। तो वो तब उन दिनों लेकिन निमंत्रण भी एक ही को देते थे, एक ही जना आएगा बारात में बस। दूल्हे राजा की गाड़ी तैयार। तो गाइस दो दो कदम पर हमारा ये हाईवे आ जाता है। तो हम पहुंच गए तिवारी जी की दुकान में, यहाँ से लेते हैं नल। हेलो तिवारी जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आप ही के यहाँ से लेते हैं यार हम सब। और ये मस्त मैंने नल ले लिया है, इतना मतलब भारी है और वो गारंटी दे रहे हैं। आंटी जी नमस्कार। कहा नमस्कार? कहा नमस्कार, कैसे हो रहे हो? कहा बढ़िया हो रहे, तुम कैसे हो? कहा बढ़िया। नादिनी कैसी हो रही है? कहा मेरी नादिनी कह रही है जैकेट बड़ी गंदी हो रही है। क्या इतनी अच्छी लग रही है जैकेट में? ये भूमि से भेंट हो गई। सबसे ज्यादा खुशी पता है कब होती? आहा तुम इतनी अच्छी लग रही हो यार, बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम, नजर ना लगे, नजर ना लगे। काला टीका लाओ यार, कोई झोल लाओ यार, कोई खाना वाना बनाने वाले बर्तन का, वो कढ़ाई का झोल लगा लो। हाँ, लगा। तो वहाँ हमारा घर, यहाँ दूल्हे राजा का घर। वाह ये मजा आ जाता है यार, देखो कितनी दूरी है बस जरा सी। यहाँ से दरवाजा भी खोल दिया, पहले नहीं था। जो थी, मैं भी आऊंगी पहले। अब यार यही चक्कर है, शॉर्ट ही। तो दूल्हा दूल्हा तैयार हो गया हमारा, दूल्हे राजा एक स्माइल दे देंगे। वाह यार मजा आ गया। आजा
फाइनली दोस्तों टाइम हो गया है बारात में जाने का। गरिमा लोग आ गए हैं, उनको भी बैठाता हूँ, फिर चलते हैं। एकाध दो लोग और बैठेंगे हमारे साथ। अरे आओ, हाँ यार, किसी और को बैठा ले जाता हूँ। अरे गाड़ी पैक हो चुकी है हमारी, अब एक सीट हल्द्वानी भूवी आ रही है, खोलो आप ऐसे। ये भूवी बैठ गई है पीछे, भूवी का साथ हो रहा है पीछे। चलो मैडम, पानी की बोतल रखी है, पानी की बोतल रखी है। चलो गुड। तो दोस्तों हम लोग चल चुके हैं बारात की ओर, बारात की ओर, बारात लड़की के घर, मतलब लड़की लेने। तो हम लोगों ने जाना है गोलाबार, लड़की लेके आएंगे, दुल्हन हम ले जाएंगे। तो हम जा रहे हैं वहाँ गोलाबार, मतलब अब कहाँ पे है हमें पता नहीं है एग्जैक्ट, तो लगे हुए हैं। मैं वीडियोग्राफर। अच्छा, ये हम निकल चुके हैं गोलाबार की तरफ। एक एरो दिखा दो गोलाबार का। अरे यार ये कब बन गया ये? क्या पता। बाप रे। और चाचा ये फ्लाईओवर कब बन गया ये? अभी तक तो नहीं था ये। तो हम पहुंच गए यहाँ पे विवाह स्थल में। तो चाय की व्यवस्था यहाँ पे हुई है। चलो जी, वो हो गया। हाँ आप लोग भी कहो का खाना नहीं खाया बोले अभी। और नींबू रख देना कहा एक बोरी हमारे लिए। जामिर भी नहीं हो रहे कहा क्या ढूंगे? वो तो हम आपके लिए लाए हैं एक ट्रक। तो गाइस खाने की यहाँ पर इतनी जबरदस्त व्यवस्था मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, इतनी बढ़िया वीवीआईपी लाइन, कसम से। कसम से मतलब बरातियों के लिए खास। हाँ, अलग से बरातियों के लिए। और देख लो आप लोग, ये हमारे बगल में भी है, इनको झोई लग गई है थोड़ी सी, बस झोई लग गई। कह रही है झोई झोई तो लगता रहता है। क्यों भाई नान भले रही। चलो बहुत बढ़िया हिमांशु, आज से जो है एक दूसरे को खिलाने का सिस्टम, हाँ सिस्टम शुरू हो गया। ये एक दूसरे के मुंह से जलक के खाने का।
तुम्हारी क्या बना है यार, हम डकार मार रहे हैं। बीते हुए सुनो, बीते हुए जमाने हमें अच्छे नहीं लगते। तो हमारे सब्सक्राइबर आ गए हैं, स्वागत है आपका। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं देखा तो वैसे ही पहचान लिया है। तो दोस्तों खाना खा लिया हमने और वन डे शादी है, लेकिन अभी शादी शुरुआत होगी तो रात तो हो ही जाएगी। तब तक हम यहाँ के खेत खलिहान देख लेते हैं, घूम लेते हैं, सैर सपाटा कर लेते हैं। भाई गांव में आए हैं यहाँ शादी में, और इतना अच्छा लग रहा है ना गांव में शादी में आने का, जो हम लुत्फ उठा रहे हैं आज उठा रहे हैं। फुल गाँव वाला फील भाई साहब, ये देखो मजा आ गया। ये ऐसा मौका भी तो बार बार थोड़ी मिलता है, वैसे तो जिंदगी नॉर्मली चलती है ना रोज। शाबाश गरिमा, शाबाश। अगर तुम मोटे होते तो भाई साहब मैं गाड़ी ले आया नीचे से, तो यहाँ पे लगा दी मैंने पार्किंग में। बिल्कुल जगह नहीं रखी है। नहीं रखी क्या यार आप, वो पार्किंग ऐसे ही होता है, शादी का मामला है। तो गांव के सब लोग बैठ गए हैं और शादी शुरू हो चुकी है। शाम हो गई है, लेकिन शाम हो गई, रात ही हो गई है, नाइट वाली हो गई एक तरीके से। तो हमारे जुझारू कैमरा वाले संघर्षशील, तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं घर। अब गरिमा बना रही है चाय मस्त, और ईजा और मैं पियेंगे दो जने। तो गरिमा चाय बनाएगी किचन में, और मैं और ईजा पियेंगे। क्यों ईजा, हम दो जने चाय पियेंगे मस्त। ईजा नहीं आई थी हमारी बारात में, रत्याली में थी ईजा।